बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में आपको बहुत मज़ेदार चिकन के कबाब बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 पाव लिया है बोनलेस चिकन। तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। और दो अदद मैंने दरमियाने प्याज लिए हैं, और लहसुन लिया है मैंने 1 गड्ढी जितना, और उसको मैंने छील लिया। ये आप देख सकते हैं 10 से 12 अदद चौबे हैं इसके। और बड़ी वाली जो है मिर्चें हैं वो मैंने ली थी 3 से 4 अदद, वो शामिल की हैं। अदरक मेरे पास अगर टीस्पून में देखें तो ये 1.5 टीस्पून है, ये इसमें शामिल करेंगे। और धनिया और पुदीना इसमें शामिल करेंगे। और मसाला जात में नमक है 1 चम्मच, हाफ टी स्पून मेरे पास है सूरख मिर्ची, हाफ टी स्पून से थोड़ा कम है कुटी हुई मिर्ची, और हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 खाने वाला चम्मच मेरे पास है सूखा धनिया पिसा हुआ, और गरम मसाला है हाफ टी स्पून, इसको हम इसमें शामिल करेंगे। तो अभी इसको मैं चॉपर मशीन में डालकर जल्दी से चॉप कर लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, पहले जो है ना मैं मसाला जात को चॉप करूँगी, बाद में बाकी चीज़ों को चॉप कर लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बारीक सा चॉप हो चुका है। अभी इसमें मैं चिकन शामिल कर रही हूँ, ये बोनलेस है क्योंकि हड्डी नहीं है, अगर हड्डी वाला होगा तो फिर ज़रा प्लेट ख़राब होने, इसलिए आप इसमें से सारी हड्डियाँ निकाल लें। तो अभी इसको मैं चॉप कर लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, चॉप हो चुके हैं। तो अभी इसे मैं निकाल लेती हूँ और उसके कबाब बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बाद में चेक करवा लूँगी। मिक्सचर जो है मैंने निकाल लिया है, तो अब इसके कबाब बना लेती हूँ। अगर कि आप घर पे बनाएं तो आप इसे जो है ना 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में लाजमी रखें, ताकि ये जो है ना ज़रा सेट हो जाए, अभी ज़रा ढीला से। तो अभी फिर मैं इसके कबाब बना लेती हूँ। ज़्यादा बड़े कबाब नहीं इसके बनाने, मैंने इसको प्लास्टिक में बर्तन में बनाने हैं, इसलिए मैंने कढ़ाई ली है। तो पैन ज़रा छोटा था, मैंने कहा चले इसमें जल्दी बन जाएंगे सारे। तो इस तरह आपने छोटा सा लेकर इसको हमने कढ़ाई में भी ऐसे रखते हैं, कढ़ाई में ही खिला देना है। वैसे ये दवा ढेले में से हाथ में से पूरा आप देख सकते हैं, इसमें मैं लेकर उसको कढ़ाई में सेट कर दूँगी। इसी तरह जो है मैं बाकी के भी बना लेती हूँ, मैं आपको चेक करवा देती हूँ साथ साथ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें 5 कबाब बनाए हैं, जिनकी जो है ना चेक कर लेते हैं, उनकी सारी चेक कर लेते हैं। और इसी तरह जैसे जैसे आपने पहले पहले शामिल किए होंगे उसी तरह है। तो ये मैंने दूसरी दफ़ा डाला था, और इसी तरह तमाम चीज़ें कबाब हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनको सब कुछ चेंज करना है। ये भी साइड से नहीं पका, इसलिए इसको अच्छे इस तरह से पलट लेते हैं। और घी मैंने मिक्सर बहुत ही कम इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो घी या आयन को नमी से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रा भी ढीला था मिक्सर करके कबाब इससे अच्छे नहीं बने वो शेप में। तो अगर आप घर लाए तो उसको थोड़ी देर के लिए नमक हाथ में रख लेना। इसी तरह मैं दोनों साइडों से पका के अच्छी तरह फिर मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से पक तैयार हो चुके हैं दोनों साइडों से। तो अभी मैं इनको डिशअप कर लेती हूँ, देख सकते हैं बहुत मज़ेदार से हमारे
तैयार हो चुके हैं। अब इनको मैं ये आप देख सकते हैं ये शेप में अच्छी है, तो गुलाई में तो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। तो इसी तरह से आप तमाम बना लेना। तो अभी मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन कबाब तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।